हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो हम लोग रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट या चार्ज को फ्लो होने से रोकने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो वो किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी आ रही है, लेट अस स्टार्ट। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल एमिटर नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल एंड अ प्लग की एज शोन इन फिगर। जैसे फिगर में दिखाया गया है, आपको एक सर्किट बनाना है जिसमें एक सेल हो, एमिटर लगा हो, नाइक्रोम की वायर हो। नाइक्रोम एक अलॉय है जिसकी लेंथ एल है, और उसको मान लो Mark 1 किया गया है, और एक स्विच या प्लग की, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। नाउ प्लग द की एंड नोट द एमिटर करंट। अब आपको जैसे ही स्विच ऑन किया, आपने करंट एमिटर में नोट कर लेना है कि कितना करंट उसमें आएगा। मैंने इसको I1 लेट कर लिया। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, दैट इज 2L मार्क्ड 2 इन द फिगर। अब जो आपने वायर पहले लगाई थी, उस वायर को हटा के सेम मटेरियल यानी कि नाइक्रोम की दूसरी वायर लगानी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो आपकी नई नाइक्रोम की वायर है उसकी थिकनेस तो सेम रहेगी, मोटाई, लेकिन जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी। यानी कि जितनी लेंथ पहले ली थी आपने, अब उससे आपने डबल ले लेनी है। नोट द एमिटर रीडिंग, और दोबारा से आपने की को इंसर्ट करके करंट की वैल्यू, और लेट मी से I2 वैल्यू आ गई। नाउ रिप्लेस द वायर बाय अ थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम लेंथ एल Mark 3। अ थिकर वायर हैज ए लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। अब आपको तीसरी बार नाइक्रोम की ही वायर लेनी है, लेकिन अब आपने उसकी जो वायर की लेंथ है वो एल रखनी है, लेकिन थिकनेस आपने बड़ी कर देनी है, लार्जर। मतलब जितनी मोटाई आप लोग पहले वायर की टेक ओवर कर रहे थे, उससे ज्यादा थिकनेस वायर की होनी चाहिए। और दोबारा से आपने प्लग की करके करंट यानी कि I3 इस बार निकाल लेना है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नाइक्रोम वायर, कनेक्ट अ कॉपर वायर मार्क्ड एज 4 इन द सर्किट। लेट द वायर बी ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ फर्स्ट नाइक्रोम वायर। नोट द वैल्यू ऑफ द करंट। अब आपने नाइक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर लेना है, लेकिन उसकी जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पहली नाइक्रोम यानी कि जो फर्स्ट हमने लिया था उसके जैसी होनी चाहिए। और फिर अगेन हमने करंट की रीडिंग नोट कर लेनी है यानी कि I4। नोटिस द डिफरेंस इन करंट इन ऑल केसेस। हमें पता चलेगा कि चारों केसेस में करंट की वैल्यू अलग-अलग है। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या कंडक्टर की लेंथ पे करंट डिपेंड करता है? यस, करता है। डज द करंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज। क्या वायर की थिकनेस पे भी करंट डिपेंड करता है? यस, उस पे भी करता है। अब इनका हमें आंसर मिलने वाला है। लेट अस रीड आउट। इट इज ऑब्जर्व दैट द एमिटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। ये फर्स्ट पॉइंट है। ये देखा गया कि जैसे ही लेंथ को डबल कर दिया गया, लेंथ को डबल कर दिया गया है, जो करंट है वो 1/2 यानी कि करंट आधा रह गया है। द एमिटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन अ थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। लेकिन अगर थिकनेस या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर इंक्रीज कर दिया गया, तो ये देखा गया कि एमिटर में करंट की रीडिंग बढ़ गई। हमने लेंथ और मटेरियल में चेंज नहीं किया, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया, और वो हमने ज्यादा किया यानी कि वायर आपने थिक लिया है, तो आपने देखा कि करंट की रीडिंग बढ़ गई है। ये सेकंड पॉइंट हो गया है। अ चेंज इन एमिटर इज रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट पॉइंट में क्या किया था, कॉपर की वायर लिया था, तो रीडिंग कहता है वहां पे अलग आती है अगर हम लोग सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। लेकिन अगर मटेरियल वायर का चेंज हो गया तो रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। ऑन अप्लाइंग ओहम्स लॉ, ओहम्स का लॉ लगाने के बाद क्या है ओहम्स का लॉ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।
temperature should remain the constant, is directly proportional to current. We observe that, तो हम लोग observe करते हैं that resistance of conductor depend, कि conductor का जो resistance है वो depend करता है किस किस पे, length, area of cross section, thickness भी बोल सकते हैं, on the nature of material, material के nature पे. तो यानी कि R जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, यहाँ तक लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि लेन पे. एक यहाँ पे फैक्टर टेम्परेचर का भी आपको आएगा, आगे दिया हुआ है लेकिन मैं आपको यहीं पे ही पढ़ा देता हूँ कि टेम्परेचर पे भी फैक्टर डिपेंड करता है. अब आपके सिलेबस में आप बोलोगे कि टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रखा हुआ है तो इसीलिए उन्होंने टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो सेम चीजों के लिए रेजिस्टेंस बदल जाएगा. Precise measurements have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section, that is R. तो कहता है बड़े ध्यान से measurement लेके उसके data बनाया गया कि अगर length increase होती है तो resistance भी वैसे बढ़ जाएगा, अगर area of cross section बढ़ाते हैं thickness तो resistance कम हो जाएगा. तो मतलब क्या है कि R जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसे हटाने के लिए उन्होंने कांस्टेंट यूज किया है जिसको रो बोला गया है, तो रो L अपॉन A. तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया. एक फॉर्मूला आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है, V इज इक्वल टू IR और वी कैन से V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू R. और एक फॉर्मूला आपके पास है जिसमें लेंथ भी आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ रहा है और रो आ रहा है. व्हाट इज रो, अब इसके बारे में बात होगी. इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर. जो रो है उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोला गया है, यानी कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रो का यूज करते हैं और इलेक्स को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो ओहम मीटर है. आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हो. आपको रो की यूनिट बनानी है तो एरिया ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और जो लेंथ है वो आ जाएगी डिवाइड में. रेजिस्टेंस होता है ओहम, एरिया होता है मीटर स्क्वेयर और लेंथ होती है मीटर. तो मीटर के साथ एक मीटर कैंसिल हो गया तो यू आर गेटिंग ओहम मीटर. तो ये रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ड्राइव हो गई. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है. यानी कि रो से आप बता सकते हो कि आपके पास जो मटेरियल है वो एक गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है. तो मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज 10 द पावर माइनस 8 ओहम मीटर टू 10 द पावर माइनस 6 ओहम मीटर. ये रेंज है मेटल्स और अलॉयज की रेजिस्टिविटी की और आप देख सकते हो बहुत ही थोड़ी वैल्यू है, इसीलिए इनमें से करंट या चार्ज बहुत आसानी से पास हो जाता है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं. Insulators like rubber and glass have resistivity of the order of 10 the power 12 to 10 the power 17 ohm meter. दूसरी तरफ अगर आप rubber glass insulators की बात करो तो यहाँ पे जो resistivity है वो आपको 10 the power 12 से 10 the power 17 यानी कि बहुत ज़्यादा high मिल रही है. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature. जो मैंने बात आपको बताई थी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस के एग्जाम में फैक्टर्स आते हैं तो आप टेम्परेचर भी वहां पर ऐड करेंगे. टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स. टेबल जो 12.2 है वो ये बताता है कि एलॉय की रेजिस्टिविटी उन मेटल से ज्यादा होती है जिन मेटल से ये बने होते हैं. एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर. एलॉयज जो होता है हाई टेम्परेचर पे आसानी से बर्न या फटाफट बर्न नहीं होते. फॉर दिस रीजन, इस वजह से दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा. इसी वजह से उनको हम लोग हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, यहाँ पे आप इनको यूज करना प्रेफर करते हैं.
टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। टंगस्टन एक ऐसा फिलामेंट है जिसको बल्ब्स में यूज किया जाता है, सॉरी, टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसको आप बल्ब्स में, फिलामेंट एक स्प्रिंग सा होता है उसमें आप लोग यूज करते हो, आपने कांच के बल्ब देखे होंगे वो येलो वाले, एक स्प्रिंग सा होता है वो फिलामेंट उसको बोलते हैं, वो ग्लो करता है, वो टंगस्टन का बना होता है। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स, लेकिन जो वायर से करंट या चार्ज फ्लो करता है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कॉस्ट एफिशिएंट भी होती हैं। ये आपको टेबल दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है कि 20 डिग्री पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। उसकी वजह क्या है कि टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टिविटी बदल जाती है, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये आपको बताने होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, जो पावर है वो माइनस में है, अलॉयज की कम है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होती है, और इंसुलेटर्स की बहुत ज्यादा है, 10 टेन दी पावर 14। और यहाँ पे आपको ये भी चीज याद रखनी है कि कॉन्स्टेंडन एक अलॉय है, मैग्नीनी नाइक्रोम भी अलॉयज है, और ये अलॉयज में कौन कौन से मेटल हैं वो भी आप लोगों को याद रखनी है, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ गए, एग्जाम्पल्स। चलिए पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं आज एग्जाम्पल्स के लिए। ओके, आज हमारे पास जितने फॉर्मूले बने हैं पहले हम लोग वो एक बार देखते हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला बना था करंट का, चार्ज अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास बना था ओम्स लॉ, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। एक फॉर्मूला हम लोग बीच में भूल गए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू बाई क्यू। और एक अभी हम लोग फॉर्मूला करके आए हैं रो एल बाई ए। तो अभी तक ये चार फॉर्मूले आपके पास आए हैं, एक टोटल चार्ज का फॉर्मूला भी आया था क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो ये फॉर्मूला, फाइव फॉर्मूले आए हैं, तो उनके बेसिस पे आइए हम लोग ये न्यूमेरिकल्स डन करते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्टेज से कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब लेने वाला है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। अगर बल्ब का रेजिस्टेंस जो है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस, वो 1200 ओम है, तो यानी कि आपको वोल्टेज दी हुई है V220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम। तो आपको करंट पता करना है I। तो देखो वी आर आई, इन तीनों को जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला है, ओहम्स लो, तो वी अपॉन आर साथ में लिख देंगे बाय ओहम्स लो। तो वोल्टेज आपको पता है 220, रेजिस्टेंस आपको पता है 1200, इसको आप सॉल्व कर दो 11/60। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू जो है 0.18 और कैपिटल ए यूनिट ऑफ करंट एम्पियर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये 12.3 का ए का फर्स्ट पार्ट अभी डन हुआ है, ए पार्ट। स्क्रीन को जूम आउट कर लेते हैं ताकि स्पेस हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए सेकंड बी पार्ट में क्या करना है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर विल कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। अब वोल्टेज आपको दी हुई है 220 और जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 100 ओम। अगेन आपको करंट फाइंड करना है, तो ओहम्स लॉ लगाएंगे वी अपॉन आर, वोल्टेज इज 220 एंड रेजिस्टेंस इज 100, तो 22/10 और वी कैन से 2.2 एम्पियर, तो ये इतना करंट ड्रॉ करेगा। तो आप देख सकते हो वोल्टेज सोर्स सेम है लेकिन करंट दोनों अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो दोनों का डिफरेंट है, बल्ब का एंड इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल का। चलिए लेट अस डू 12.4। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल हीटर के टर्मिनल्स पे एंड इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, और ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, यानी कि हमें सेकेंडरी को दूसरा करंट पता करना है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया गया है,
अब देखिए, हमारे हमने डिवाइस चेंज नहीं किया, तो डिवाइस अगर चेंज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है, तो वी वन अपॉन आई वन विल बी इक्वल टू आर। सिमिलरली अगर वोल्टेज अपनी चेंज होके वी टू आ गई है और करंट आई टू है, तो वो भी आर के इक्वल रहेगा क्योंकि ये भी ओम्स लॉ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी टू अपॉन आई टू इज इक्वल टू वी वन अपॉन आई वन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही आर के इक्वल है। वोल्टेज सेकंड सेकंड वोल्टेज है 120, करंट हमें नहीं पता आई टू, वी वन है 60 एंड आई वन इज 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 60 मल्टीप्लाई बाय आई टू, 4 मल्टीप्लाई बाय 120। अब आई टू निकालना है तो 60 आपका कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 4 × 2 8 एम्पियर। तो आप देख सकते हो अगर वोल्टेज डबल हो गई तो करंट भी डबल हो जाएगा, और यही ओम्स का लॉ होता है, वी इंक्रीज कराओगे तो आई इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए ये हमारा हो गया है 12.4। उसके बाद चलते हैं 12.5 पे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओहम एट 20 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस आपको गिवन है 26 और लेंथ की बात हो गई है, तो जैसी लेंथ की जिक्र आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि इस फॉर्मूले का यूज होने का बहुत बड़ा चांस है। चलिए, इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, डायमीटर है 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो वही फॉर्मूले में अब रेजिस्टिविटी पूछी गई है, आर गिवन है, एल गिवन है, डायमीटर है तो एरिया भी निकाल लेंगे, और टेम्परेचर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपको बताया थ्योरी में कि टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बदल जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये डाटा होता है। तो डायमीटर हमें दे दिया है, तो क्या हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दें। पॉइंट हटाने के लिए आपको नीचे 10 लिखना पड़ेगा। अब देखो ये mm है, तो SI यूनिट के लिए आपको mm को मीटर में बदलना पड़ेगा, और मीटर में बदलने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10^-3, या 1000 से डिवाइड करते हैं या फिर 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर एरिया होता है वायर का, तो इसलिए पाई आर स्केयर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और आर है आपके पास 3/20 × 10^-3। 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वेयर है। एक यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा इशू, हम लोग इसको पेज के ऊपर लिख लेते हैं, बुक की पेज के ऊपर। 22/7, रेडियस है 3/20 मल्टीप्लाई बाय 10^-3, 3/20 मल्टीप्लाई बाय 10^-3। तो 22 × 3 × 3 उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मोस्ट प्रोबेबली 198 आता है। कैलकुलेशन में हम लोगों को बड़ा ध्यान में रखना है, 7 × 14 × 2 = 28, 2800, और ऊपर 10^-6 हो जाएगा क्योंकि पावर प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है, 28 नीचे आ गया। अब ये जो 10^2 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इट विल बिकम -8। तो 198/28, सो आई एम गेटिंग 7.07 × 10^-8। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया है वायर का। चलिए, अब हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो पता करना है तो करना क्या पड़ेगा, एरिया को क्रॉस कर दो और एल को डिवाइड में ले आओ। रेजिस्टेंस है 26 ओहम पहले दिया हुआ है,
एरिया हमारे पास आया है 7.07 × 10⁻¹। लेंथ दी हुई है आपको 1 मीटर, तो 1 से डिवाइड कर दें। तो अब 26 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7.07 से, सो आई एम गेटिंग 183.82 × 10⁻¹ ओहम मीटर, ऐसा यूनिट लगाएंगे। थोड़ा बेटर लिखने के लिए 1.83, पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो जो ऊपर पावर है वो 2 कम हो जाएगी, या आप ये कह सकते हो कि 2 आपको प्लस करना पड़ेगा, तो −8 + 2 −6 ओहम मीटर। उन्होंने ये भी पूछा है कि टेबल 12.2 का यूज करके बताइए कि क्या नेचर है वायर का। चलिए देखते हैं कि किस वायर की जो सॉरी किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी 10⁻¹ है और 1.83 है। उसके लिए हमें 12.2 ये टेबल निकालना पड़ेगा, और आप देख सकते हो मैग्नीज 1.84 × 10⁻¹, तो बिल्कुल ये डाटा मैग्नीज के साथ मैच हो गया है। तो यानी कि जिस मटेरियल की ये बात की जा रही है यहाँ पे, दैट इज मैग्नीज। ओके चलिए, तो हमारा ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, आसान है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर तो आपने बस कैलकुलेशन पे ही दिमाग लगाना है। चलिए 12.6, वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम। एक वायर है जिसकी लेंथ आपके पास एल है, तो लेंथ एल हो गई, एरिया है आपके पास ए, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आप लोगों को 4 ओहम। तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि अगर एल ए की बात हो जाए तो क्या फॉर्मूला आएगा, एल रो एल बाय ए, तो रेजिस्टेंस 4 है, रो लेंथ एल कहा है और एरिया ए है, तो रो एल बाय ए इज इक्वल टू 4। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक और दूसरी वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया, रो चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि अपने अभी पढ़ा थ्योरी में कि रो होता है मटेरियल का जो नेचर बताता है, और वो यहाँ पे सेम रहेगा। हैविंग लेंथ एल बाय टू, और जो लेंथ है वो एल बाय टू हो गई, यानी कि जो लेंथ थी वो आधी हो गई है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए है, तो एल जो है वो एल बाय टू हो गई है, और एरिया डबल हो गया है 2a, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 2a, और इसका रेजिस्टेंस हमें पता करने को बोला है, मैंने इसको आर डैश अज्यूम कर लिया। तो 2 × 2 = 4, ये बन गया आपके पास रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए की वैल्यू है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आई एम गेटिंग 1 ओहम। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने लेंथ हाफ कर दी है और एरिया आप लोगों ने वायर का डबल कर दिया है, तो दोनों ही फैक्टर रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो इसीलिए रेजिस्टेंस आपका जो है वो 1 ओहम रह गया है। और इस तरीके से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल डन हो गया। तो एग्जाम्पल आप लोगों की क्लियर हो गई है, खत्म भी हो गई है। चलिए उसके बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आज हमने यही चीज पढ़ी थी। फर्स्ट इज यस लेंथ एल, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितनी थिकनेस है, आप उसको थिकनेस भी लिख सकते हो या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड था नेचर ऑफ मटेरियल, हमने ये भी देखा मटेरियल का अगर नेचर बदलता है तो रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा असर होता है। और फोर्थ फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, हम इसको लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की डिपेंड करती है। ओके सेकंड, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स वाई। अगर आपके पास एक वायर थिक है मोटी और एक थिन पतली वायर है, मटेरियल दोनों का सेम है, तो कहता है अगर उनको सेम सोर्स यानी कि अगर पोटेंशियल सेम रखा जाए तो करंट इजीली किस में फ्लो करेगा, थिक वायर में या थिन वायर में, और क्यों। अब आपको ये तो क्लियर ही है कि थिक वायर में से करंट आसानी से फ्लो करेगा क्योंकि वायर मोटी है,
और थिन में से कम फ्लो करेगा। लेकिन उसको लॉजिकली कैसे प्रूव करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है बाय ओहम्स लॉ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय आर, और जो आर होता है वो किसके इक्वल होता है, रो एल बाय ए। तो यानी कि करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, वी अपॉन रो एल। ए कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो लेंथ, रो और वोल्टेज ये तीनों सेम रखते हुए हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज थिक वायर हैज मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज कंपेयर टू थिन वायर, सो थिक वायर विल पास करंट इजिली। तो थिक वायर जो है वो आसानी से करंट को पास कर देगी, क्योंकि आई जो है वो एरिया पे डायरेक्टली है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, तो थिक वायर का एरिया ज्यादा होता है, तो इसलिए उसमें करंट इजिली पास होगा। और ये इस तरीके से आप लोग इस चीज को एक्सप्लेन करके आएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कहता है कि मान लो कांस्टेंट रहता है, व्हाइल जबकि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाफ रह जाता है। यानी कि अगर मान लो पहले केस में आपने वी लिया, तो दूसरे में जो वोल्टेज है वो पहले का हाफ हो जाएगी, यानी कि वी बाय टू हो जाएगी। व्हाट चेंजेस विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो इसमें कहते हैं करंट में क्या चेंज आएगा। देखिए अगर वोल्टेज वी वन को हम लोग वी मान रहे हैं, तो मान लो कि जो इस केस में करंट है आई वन, वो आपका आई हो गया, और जो दूसरा करंट है जो हमें पता करना है उसको हमने एक लगा दिया क्वेश्चन मार्क। रेजिस्टेंस सेम है, तो आपको पता है बाय ओहम्स लॉ क्या लिखेंगे हम लोग, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो फर्स्ट केस में क्या है, वी वन अपॉन आई वन इज इक्वल टू आर। तो वी वन की वैल्यू वी ली हुई है और आई वन की वैल्यू आई ली हुई है, इज इक्वल टू आर। सेकेंड केस में क्या लिखेंगे, वी टू डिवाइडेड बाई आई टू इट इज ऑल्सो इक्वल टू आर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना। वी टू की वैल्यू है वी वन अपॉन टू के इक्वल और वी वन है वी के इक्वल, तो यानी कि वी बाय टू, और आई टू तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो आई टू को कुछ नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब दोनों आर के अगर इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन टू आई टू। वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो टू आई टू इज इक्वल टू आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आई टू की वैल्यू कितनी आ गई है, आई बाय टू, यानी कि जो करंट है नया वो पुराने वाले का हाफ रह जाएगा। ये वही चीज हो गई, अगर आर कॉन्स्टेंट है और वोल्टेज आपने अगर आधी कर दी तो करंट भी आपको हाफ ही मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एज पर ओहम्स लॉ। ओके फोर्थ, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल से ना बनाने की बजाय आप एलॉय से क्यों कॉइल्स बनाते हो, टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन की, जो मतलब हीटिंग डिवाइसेस हैं। इसका आंसर हमने अभी पढ़ के आए हैं थ्योरी में, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज जनरली हायर देन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक दिस। तो यहाँ तक आंसर आएगा। अगर हम लोग बात करें प्रॉपर की, तो यहाँ से आंसर बनता है कि हाई टेम्परेचर पे इजिली बर्नआउट नहीं होते, इसीलिए उनको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर में। लेकिन अगर आप रेजिस्टिविटी वाला पॉइंट भी जोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। रेजिस्टिविटी का क्या होता है कि जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट भी होता है। ये एलॉयज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं, इंसुलेटर की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे इस केस में, कि इफ द रेजिस्टिविटी इज हायर मोर हीट विल बी प्रोड्यूस। ये आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो,
लेकिन अगर 1 मार्क का आता है तो सिर्फ आप यही आंसर लिख के आओगे, एलोज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेटली एट हाई टेम्परेचर। चलिए उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। डेटा यूज द डेटा इन टेबल 12.2, 12.2 का डेटा यूज करिए, यानी रेजिस्टिविटी वाला डेटा। तो आंसर देना है विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में से किसका कौन सा बेटर कंडक्टर है? तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो गई वो बेटर कंडक्टर होगा। तो आयरन आपका यहाँ पे है, मरकरी यहाँ पे है, तो आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो आयरन इज अ बेटर कंडक्टर देन मरकरी। अब आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बस ये लिखना है रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस एज कम्पेयर टू मरकरी, सो आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। याद रखें जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो उतना ही बेहतरीन कंडक्टर है। बी पॉइंट, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अब टेबल पे देख के आपको बताना है कि कौन सा कंडक्टर सबसे बढ़िया है। अब जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है, और वो है आपका सिल्वर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है इस टेबल में, और इसीलिए ये सबसे बेस्ट, या सबसे बेस्ट क्या होता है, बेस्ट ही होता है, और ये द बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। तो इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चंस भी डन हुए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वी विल डू लेटर ऑन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।